स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज चैनल में। मैं हूं आरपी अर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे बहुत ही जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, मनौना जो धाम है खाटू श्याम। हम आज खाटू श्याम धाम पहुंचे हैं, मनौना में इसका जो निर्माण हो रहा है, यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आइए हम आज आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं खाटू श्याम मनौना की। देखिए यहाँ आज पत्रकार सम्मान समारोह का भी यहाँ के जो महंत हैं उनके द्वारा आयोजन कराया गया। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में दुकानें भी लगी हुई हैं। देखिए हम दिखाते हैं आपको सीधी तस्वीरें, यहाँ प्रसाद भी बिक रहा है और दुकानें भी बड़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर लगी हुई हैं। देखिए हम पूरा जो मनौना धाम जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी भी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए सामने आपको दिखाते हैं, देखिए बहुत ही विशाल यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये मंदिर का निर्माण चल रहा है और यहाँ हजारों की संख्या में लगातार यहाँ जो श्रद्धालु हैं लगातार आ रहे हैं। और यहाँ एक कार्यक्रम जो आज पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम कराया गया है यहाँ के महंत के द्वारा, आइए हम कुछ पत्रकार साथी हैं उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, राजकमल चौहान, प्रेस लाइव 24 न्यूज चैनल से देखता हूँ। क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पर जो मनौना मंदिर निर्माण चल रहा है खाटू श्याम जी मंदिर समिति द्वारा? आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और महंत जी के द्वारा सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया था और बहुत ही चमत्कारिक धाम है, उसके बारे में हम लोगों को लिखा है, इसलिए कार्यक्रम हुआ था। क्या किसके बता रहे हैं कई तरह के चमत्कार भी हुए हैं अभी तक यहाँ? हाँ, यहाँ पर एक बच्ची, सबसे पहले यहाँ पर एक बच्ची थी जो उसमें टैंक बन रहा था, टैंक में गिर गई थी और बेहोशी की हालत में उसको निकाला गया था और महंत जी ने जब उस पर जल छिड़का तब उस पर अचानक ही उसमें ना उसका हाथ पैर फड़फड़ाने लगे और उसमें जान आ गई थी। तब से इस मंदिर पे अलग ही महत्वता मिली है और यहाँ पर एकादशी के दिन 25,000 से 30,000 श्रद्धालु यहाँ पर आकर मनौना धाम में दर्शन करते हैं। राजकमल जी, आपके लिए लाखों लोग देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज के माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने बहुत ही संघर्ष में अपने प्रेस शुरू करने के बाद में आज आप इतना पॉपुलर हो रहे हैं और बरेली देहात न्यूज़ ने जितना कम समय में एक बहुत लार्जेस्ट जो अपना स्थापित किया उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके द्वारा दी गई प्रत्येक खबर को लाखों लोग देखते हैं, तो आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि जो मनौना धाम है इसकी सच्चाई दिखाने की कोशिश की। देखिए लगातार हम जो मनौना धाम है आज उसकी आपको सीधे दर्शन हम कराते हैं बरेली देहात न्यूज के माध्यम से। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो दुकानें हैं, यहाँ जो प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं और ये देखिए आप यहाँ जो श्रद्धालु हैं उन्हें जाने का जो बाबा के दर्शन करने का जो रास्ता है, देखिए चमत्कारिक मनौना धाम में बोर्ड लगा हुआ है, आपका हृदय से स्वागत है। यहाँ के जो महंत हैं ओमेंद्र चौहान जी, और लगातार हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए शाम का वक्त है और यहाँ पर लाखों की संख्या में दर्शन करने भक्तगण आते हैं। आइए भक्त हमारे साथ हैं उनसे भी जानते हैं। जय श्री श्याम। और मैं कहना चाहूँगा ये बहुत अच्छा सच्चा धाम है और एक बार बाबा के दर्शन को जरूर आएँ। यहाँ पर जो आपकी मनोकामना है वो पूरी होती है। अगर आप नहीं आ पा रहे बहुत परेशान हैं, आप घर से भी बाबा खाटू श्याम के नाम से अगर आप प्रसाद बोल देते हैं या फिर मन्नत मांग लेते हैं तब भी आपकी मनोकामना पूरी होगी, इतना बाबा का सच्चा दरबार है। कहाँ से आए, क्या नाम? मैं भरतपुर से हूँ, मेरा नाम विशाल सक्सेना है। तो कब से आ रहे हैं आप? मुझे तो आते लोगों 4 महीने हो गए हैं। अभी तक यहाँ कहाँ कहाँ के लोग आ चुके हैं? अब देखो पूरे यूपी के और अन्य राज्यों से भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। विशाल जी, आपको लाखों लोग देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज के माध्यम से, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहेंगे कि एक बार बाबा के दर्शन को जरूर आएं और बाबा का जो धाम है, बाबा का जो दरबार है वो सच्चा दरबार है। देखिए कुछ और भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे भी आपका परिचय कराते हैं। देखिए हमारे साथ एक यहाँ पर देखिए सभी धर्मों के लोग आते हैं और हमारे साथ देखिए सामने खड़े हैं सद्दाम खान जी, ये भी मनौना धाम पर आए हैं, आइए हम इनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। मेरा नाम सद्दाम खान और बेशारण से आया हूँ मैं, और मुझे यहाँ बाबा के दर्शन करके बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मान्यता है कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से अपनी मुराद मांगता है वो बाबा के दरबार में पूरी होती है। देखिए कुछ और भी यहाँ श्रद्धालु हैं उनसे भी जानते हैं, क्या नाम है? भैया मेरा नाम संत प्रसाद शर्मा है, मैं काफ़ी समय से पत्रकारिता भी कर रहा हूँ, साथ साथ भैया जो भी है अपने समाज को और सब लोगों को लेके चल रहा हूँ।
देखिए हम लगातार आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और आप देख रहे हैं शाम का समय है और यहाँ पर भजन कीर्तन का भी प्रोग्राम चल रहा है। देखिए माताएं बहनें यहाँ पर भजन कीर्तन का प्रोग्राम कर रही हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से। देखिए यहाँ पर जो माताएं बहनें हैं वो भजन कीर्तन का प्रोग्राम कर रही हैं। आइए हम माता जी से जानते हैं कहाँ से आई हैं, क्या नाम है माता जी? निर्मला जी। कहाँ से आई हैं? मनोना से आए। हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। तो लगातार आती हैं? हाँ लगातार आते हैं। तो यहाँ माता जी लगातार जैसे चर्चाएं हैं कि यहाँ बहुत चमत्कार हो रहे हैं, तो क्या क्या चमत्कार अभी तक हो चुके हैं आप इस संज्ञा में? क्या आपने कोई ऐसी घटना सुनी है यहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई मतलब चमत्कार हुआ हो? जी बहुत चमत्कार हुआ है बाबा का। जी बहुत बहुत चमत्कार हुआ है भैया, बाबा की मनोकामना पूरी कर रहे हैं बाबा की बहुत बड़ी महिमा है। आप कहाँ से हैं? औला से। देखिए हम लगातार आपको जो खाटू श्याम मनोना धाम है उसकी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए अब हम आपको सीधी तस्वीरें आपको बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से बाबा खाटू श्याम के हम दर्शन कराएंगे। हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और हम बाबा खाटू श्याम के आपको दर्शन कराएंगे। लाखों की संख्या में बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। आइए हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं, उनसे भी जानते हैं। जय श्री श्याम बाबा जी। हमारे बाबा की दिन रात ऐसी कृपा बरस रही है, जो कभी कोई अचानक दुर्घटना होती है, परेशानी होती है, ना आंखें जा रही हैं या कोई दिक्कत शरीर में हो रही, बाबा के पास एक हाजिरी में ही कृपा बरस रही है। कहाँ से हैं आप? मैं औला से हूँ। क्या समस्या थी आपकी? मेरी शुगर इतनी बड़ी रहती थी, पैरों से बहुत दिक्कत थी जी। मुझे एक कदम भी नहीं चल मिलता। अब बाबा की ऐसी कृपा हुई कि औला से यहाँ तक पैदल आती हूँ, पैदल जाती हूँ। शुगर भी ठीक हुई है? बिल्कुल, ये तो बाबा की कृपा है सर। देखिए यहाँ चमत्कार लगातार हो रहे हैं और हमने आपको जो यहाँ के श्रद्धालु हैं उनसे भी आपकी बातचीत कराई। अब हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। हम आपको सीधे दर्शन कराते हैं खाटू श्याम मनोना धाम के। देखिए हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और आपको सीधे दर्शन कराते हैं बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के, यहाँ के जो महंत हैं। आइए हम उनसे भी आपकी बातचीत कराते हैं। देखिए हमारे साथ जो खाटू श्याम बाबा हैं मनोना धाम वाले, उनके यहाँ जो महंत हैं धाम के, उनसे भी आपकी बातचीत कराते हैं। स्वागत है महाराज जी आपका। सभी श्याम भक्तों को, सभी यहाँ जो पब्लिक देख रही है, यहाँ जो भी आपके दर्शक हैं उनको सभी को मनोना धाम की तरफ से जय श्री श्याम जी। और यहाँ पर ये चमत्कारिक धाम है, यहाँ लगातार चमत्कार होते हैं। यहाँ पर अभी एक दो भक्त खड़े हैं, उनसे भी यहाँ के आप चमत्कार पूछ सकते हैं। आप ये जो बच्चा है इससे एक बार जयकारे लगवाना, उससे जो उसके साथ जो खड़े जयकारे श्याम प्यारे की। क्या क्या नाम है आपका? शीतल चौहान जी। कहाँ से? कसुमरा से जी। क्या समस्या थी? इसकी जीभ में पता नहीं छाला टाइप का पड़ जाता था, थोड़ी होती थी फिर हो जाती थी इसकी, और मतलब ऐसे ही दिखाया था डॉक्टरों को फिर भी, लेकिन इसकी जीभ सही होने में नहीं आ रही थी। फिर हम लोग बोले चलो बाबा के यहाँ पे चलते हैं, फिर बाबा के यहाँ पे आए तब इसकी जीभ सही हो चुकी है यहाँ पे। कितना टाइम हो गया आते हुए? तो वैसे एक डेढ़ महीना हो चुका है मुझे। बिल्कुल ठीक है अब इसकी जी, बिल्कुल भी ठीक है। जय श्री श्याम। क्या नाम है? मीनू चौहान जी। कहाँ से? कसुमरा से। आपकी भी कोई समस्या थी? हाँ समस्या थी, और पति की जॉब जा रही थी तो मैं उसके बारे में आई और गुरुजी से नहीं कहा, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करके गई, लेकिन काम उनका सही चल रहा है और ठीक ठाक से चल रहा है। और कल अपनी दीदी के बच्चों को लेके आई तो गुरुजी से बात कराई, लेकिन उम्मीद लग रही है कि वो सुधार हो जाएगा, बहुत दारू पीते हैं। बहुत कुछ सही है यहाँ। क्या क्या लग रहा है आपको बाबा के दरबार में? बहुत अच्छा लगता है आके, और सब कुछ ठीक हो रहा है। आसपास के बहुत आते हैं लोग। कुछ और भी श्रद्धालु, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? सरस्वती जी। कहाँ से आई हैं? पथरछेड़ी से आई हैं जी। आपके भी साथ की समस्या है? हाँ दर्द होता है पैरों में। कितने हाजिरी हो गए आप? अब तीसरी बार आए हैं। क्या कोई आराम वगैरह मिला? हाँ थोड़ा है आराम है अभी, तीसरी बार ही आप आए अभी। देखिए हम लगातार बहुत अच्छा। हाँ देखिए हम जो यहाँ खाटू श्याम जो दरबार है मनोना धाम में, आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हम आपको सीधे जो खाटू श्याम बाबा हैं उनके आपको बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ जो लाखों की संख्या में लगातार रोज भक्त आ रहे हैं, और हमारे साथ यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी हम आपकी लगातार मुलाकात कराते रहेंगे। देखिए हम जो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए हम बाबा से और आपकी बातचीत कराते हैं। जी महाराज जी।
जी महाराज जी, अभी तक यहाँ मनोना धाम पे किस किस जगह के लोग आते हैं? यहाँ सभी स्टेट के लोग आ रहे हैं, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है आपका, उत्तराखंड है, और सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए है कि यहाँ वृंदावन और मथुरा के भी भक्त आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एक तरीके से चाहे पूरे वर्ल्ड के लोग वृंदावन जाते हैं, लेकिन वृंदावन के अगर मनोना धाम आ रहे हैं तो ये सीधी सीधी बाबा की कृपा है। महाराज जी, आपके लिए लाखों लोग देख रहे हैं। जी जी जी। और तो क्या यहाँ सोशल मैं बताऊँ, मेरा नाम है ओमिंद्र चौहान जी। कहाँ से बिलोंग करता? मैं मनोना से ही बिलोंग करता हूँ और बाबा से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ था। जब मेरे हाथों से बाबा के माध्यम से चमत्कार होना शुरू हुए तो मेरे मन में आया कि ना बाबा का यहाँ धाम बनाया जाए। ये जो भूमि है ये बाबा की जन्मस्थली है, क्योंकि पास में ही एक रामनगर पड़ता है, वहाँ भीम का गदा रखा हुआ है, और एक लीलौर गांव पड़ता है, वहाँ झील है, जो उस झील पे यक्ष ने प्रश्न पूछे थे पांडवों से जब वो मूर्छित हो गए थे। बाबा का शीश जो प्रकट हुआ था वो रिंगस राजस्थान में सीकर जो जिला है वहाँ प्रकट हुआ था। बाबा ने जो अपना शीश का दान दिया था वो चुलकाना धाम पानीपत में दिया था। ये बाबा की जन्मस्थली है, क्योंकि यहाँ 12 वर्ष पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। जिस समय अज्ञातवास काटा था तभी बाबा के यहाँ जन्म हुआ था। जन्मस्थली होने के कारण ही यहाँ लैब चमत्कार हो रहे हैं। यहाँ आप ये देखें कि इस गेट से मैं बाहर निकालता हूँ, किसी को दिक्कत होती है उस गेट से वापस ले लेता हूँ, पूछता हूँ हाँ आपको दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। इस तरीके के बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी अपनी जो आत्मसात जो होता है वो बताया है अपना सूरा, और आप यहाँ निकल के किसी भी दुकानदार किसी भी भक्त से आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं जाके कि यहाँ किस तरीके से आने से फ़ायदा होते हैं लोगों के लिए। सबसे अच्छा मामला यह है कि जो हम आडंबर, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और एक आध MNC में जॉब भी कर चुका हूँ, सब कुछ छोड़ के अपना मैं बाबा की सेवा में लगा हुआ हूँ। ये जो भूमि है वो भी मैंने ही दान करी है अपनी, ठीक, और लगभग 3-4 साल से मैं बाबा की सेवा में लगा हुआ हूँ। बाबा से जो बोलता हूँ भक्तों के लिए बोलता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं मांगता बाबा के लिए। बाबा से सिर्फ यही कहता हूँ कि मनोना धाम पे जो भी भक्त आए उसका आप कल्याण करें, वो जो भी जिस भी समस्या से ग्रसित है उस समस्या को दूर करें बाबा। सुबह से शाम तक मेरी बस सिर्फ बाबा से यही विनती रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक रुपये का भी यहाँ चढ़ावा नहीं है, कोई आडंबर नहीं है किसी भी तरीके का, ना ही किसी से हम ऐसा बोलते हैं कि आप इतनी हाजिरी लगाओ उतनी हाजिरी लगाओ। हम तो यहाँ लाइव करके दे रहे हैं, जो भी कुछ है लाइव है, बाबा का सारा चमत्कार जो है लाइव है, और वो सारे लोग आपको बता भी सकते हैं। महंत जी, जैसा कि आपको लाखों लोग देख रहे हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आडंबरों और अंधविश्वास में मत फंसो। कोई भी ऐसी अदृश्य एक शक्ति होती है, उस शक्ति के माध्यम से बहुत कुछ होता है, लेकिन विश्वास और जो हमारा एक भाव होता है उसमें ही शक्ति होती है। जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक शक्ति हमारा काम नहीं करेगी। हमें पूर्ण शक्ति, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो हम भटकते रहेंगे, एक दरबार को छोड़ के दूसरे दरबार में जाते रहेंगे, लेकिन जब हमारा विश्वास होता है, अधिक विश्वास होता है हमारा, तो वो शक्ति हमारे लिए पूरा आशीर्वाद अपना देती है। जय श्री श्याम। देखिए, ये थे हमारे साथ खाटू श्याम धाम, जो मनोना में अभी एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके महंत थे ओमेंद्र सिंह चौहान जी, उनसे हमने आपकी बातचीत कराई। और यहाँ देख रहे हैं आप, शाम का वक्त है और यहाँ हजारों की संख्या में इस वक्त भी यहाँ जो श्रद्धालु हैं उपस्थित हैं। लगातार हम मनोना धाम से संबंधित खबरें आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।